मतलब आए थे ना उधर से नहा धो के आए, उसके बाद सोए ना, जो इतना कड़ा वाला नींद आया ना कि शाम का अपन लोग आरती भी नहीं देख पाए वहां पे जाके। देखो रूम का हाल, ये अपना बैग, ये सरदार का बैग, ये रूम का हाल। मतलब इसी में चावल भी खाना है क्या? दाल नहीं एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो ट्रेन के नीचे से हम लोग पीछे से ही जा रहे हैं क्योंकि अपन लोग के पास टिकट है नहीं। जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग होटल में ले चुके हैं रूम क्योंकि अपन लोग को यार काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुका था और फिर आज अपन लोग घर नहीं जा पा रहे, इसी कारण से होटल में रहेंगे और फिर कल अपन लोग निकलेंगे। पीछे की साइड देख सकते हो सरदार, तो अभी अपन लोग यहाँ पर बिता रहे हैं और फिर कल अपन लोग आफ्टरनून में 12 बजे रूम को चेकआउट करेंगे और फिर निकलेंगे गाइज। तो फिलहाल अभी सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। तो फाइनली भाई आज सुबह हो चुका है, 10 बजने वाला, 10 के 12 बजने वाला ना, 11:30 से ऊपर हो गया, 12 बजने वाला, 1:30 को अपना ट्रेन है दानापुर के लिए। सो अभी अपन लोग देख सकते हो होटल का हाल कैसा हो चुका भाई। मतलब आए थे ना उधर से नहा धो के आए, उसके बाद सोए ना, जो इतना कड़ा वाला नींद आया ना कि शाम का अपन लोग आरती भी नहीं देख पाए वहाँ पे जाके, और रात में सोए तो अभी उठे 1 घंटे पहले उठे और फिर अब निकलेंगे यहाँ से, खाना पीना खाएंगे और फिर ट्रेन से जाएंगे, 1:30 में ट्रेन है। तो रूम का हाल देख रहे हो कैसा बेहाल हो गया, तो अभी तो फिलहाल निकलने का तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग ऐसे ही नहाए धोए कुछ नहीं है, बस जल्दी से जाना है घर यार, क्योंकि घर में भी थोड़ा सा धोना है सब, है ना, पोछा है सब लगाना है सारा कुछ, क्योंकि भाई कल होलिका दहन है, अगजा बोलते हैं हम लोग गाँव में, अगजा, तो वही है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से चेकआउट करते हैं और फिर जाते हैं गाइस। देखो रूम का हाल, ये अपना बैग, ये सरदार का बैग, ये रूम का हाल मतलब देख सकते हो, और फिर वो अपना वॉशरूम, और देखो कोई नहीं नहाया भाई, सारे लोग ऐसे ही हैं हम लोग देख रहे हो। तो अभी अपन लोग जल्दी से चेकआउट करके निकलते हैं, ये अपना है और ये देखो अपना टीवी, मस्त वाला मूवी देखे और फिर ये हम देख रहे होगे। तो अभी चेकआउट कर देते हैं जल्दी से हम लोग, पानी होगा तो पानी पी लेना भाई, पानी तो है, पानी पी ले, पानी पी। चेकआउट कर लिए, ये अपना होटल था सत्संग लॉज, इसी में अपन लोग रूम लिए थे भाई, काफ़ी सस्ता में आ गया था यार, 800 बहुत ही मायने रखता है 3 लोग 4 लोग रहने के लिए, तो 800 में ही हो गया था। अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और फिर गांव में यार कुछ लोग मतलब समझ सकते हो, अभी बिहार में दारू वारू बंद है, ये देखो सारा कुछ अभी इस टाइम का मार्केट, लाइक खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 12 बजने वाला है ना, तो सब कुछ स्टार्ट होगा ही। राहुल महाकाल का टी शर्ट पहन के चल रहा है भाई, बैग वैग तो है नहीं तुम्हारे पास? नहीं भाई। तो बैग मेरा वाला ले लो यार भाई मेरे पास बहुत भारी बैग हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा, जींस वींस सारा कुछ है ना इसी में डाला हुआ, तो वजन हो गया। अब भी भाई अच्छा वाला खाना खाएंगे, पहले यहाँ भी था लेकिन रूम ही नहीं था अवेलेबल। देखो हर होटल में ना इधर लॉज में 12 बजे चेकआउट करने का है, तो अपन लोग 12 बजे से थोड़ा सा पहले ही चेकआउट कर लिए, 12:45 में। पीछे की साइड वो दोनों कहाँ गए, मंटू सरदार कहाँ भाई? वहाँ सरदार आ रहा है सिगरेट पीते हुए भाई, हम तो ना पिए हैं भाई। ये खाना वाले देखो कैसे बुला रहे हैं, देख रहे हो, खाना इधर नहीं खाना है, आप हम लोग उधर इक्का छोड़िए सब खाएंगे यार अभी। तो भाई हम लोग अभी आ चुके हैं भेज खाना खाने के लिए, थाली वाला भेज खाना भाई, ये पापड़ आएगा, दाल चावल रोटी और पनीर मटर पनीर सब्जी और भी सलाद ये सब आएगा, तो वही भेज वाला ऑर्डर किए, 80 रुपये प्लेट है भेज वाली थाली। ये देखो इधर कम मेन्यू देख रहे हो, मेन्यू लिस्ट ऐसा है, तो हम लोग 80 रुपये वाला थाली आएगा, मस्त वाला खाएंगे और फिर अपन लोग निकलेंगे यहाँ से। सो भाई ये देखो ये अपना थाली है, मटर पनीर रोटी चावल सैलेड सब्जी, 2 सब्जी, एक ही सब्जी है भाई, सब्जी एक ही है, इसी में चावल भी खाना है क्या? दाल नहीं एक्स्ट्रा लीजिएगा, तो दाल भी अपने को एक्स्ट्रा मिलेगी अलग से। तो देख रहे हो 2 थाली लग चुकी है, 2 हम दोनों का, 1 मंटू का, 1 हमारा थाली यहाँ पे लगने वाला, तो अभी जल्दी से भाई बोले हैं ना वो देंगे ही, 4 रोटी बोला हुआ तो देंगे, अपना ले लेना आएगा ना, आएगा अपना भी आएगा। सारे लोग प्योर वेजिटेरियन भाई, 3 3 रोटी आए, 1 1 रोटी और आएगा क्योंकि 4 4 रोटी बोला हुआ था। कैसा लग रहा है राहुल खाना, कैसा? मस्त है, ज़बरदस्त, उससे अच्छा है ना उसका, तो थाली खाया नहीं था, आलू का पराठा ही खाया था ना वहाँ पे, वहाँ पे पेट भर गया, सही बात है भाई। अब यहाँ वाला देखो नहीं, चावल थोड़ा सा कम है, क्वांटिटी कम लग रहा है इसका, उसका क्वांटिटी ज़्यादा अच्छा था, सही था,
बट देखते हैं ना क्या ही होता है, पेट भरता है फिर नहीं भरता है। चलो अभी अपन लोग खाना को फिनिश करते हैं। कैसा टेस्ट मंटो वहाँ ऐसा उससे अच्छा है फिर उससे के थोड़ा सा लो मटर पनीर में सोच ले भाई। तो चलो अभी खाते अपना आएगा फिर खाएंगे गाइस हम भी। सो फाइनली भाई खाना पीना खा के अपन लोग स्टेशन आ चुके हैं। ये देखो वाराणसी का स्टेशन भाई, मतलब काफ़ी दिनों के बाद भाई। देखो मैं फर्स्ट डे भी आया था ना तो ऊपर से ये वाला नहीं देखा था जो है ना ऊपर वाराणसी, ये वाला मैंने नहीं देखा था बट अभी दिख गया वाराणसी भाई तगड़ा है। और ये देखो सरदार मंटू, सारे लोग हर राहुल आगे भाग गया वो देखो। तो अभी हम लोग बस ऐसे ही जा रहे भाई, काफ़ी बड़ा लग रहा है यार। टिकट लेंगे भाई जनरल वाला एक, देख रहा भाई कितना बड़ा लग रहा भाई। इधर से चलो, हेलो इधर से जाएंगे इस साइड से। ये देख रहे हो भाई क्या मतलब मस्त लग रहा है, मैंने कभी नहीं देखा था वाराणसी का बट अभी देख रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। उधर था आगे भाई काफी ज्यादा भीड़ होगा क्योंकि सिकंदराबाद से आ रही है ना, सिकंदराबाद हावड़ा, सिकंदराबाद नहीं देहरादून वाले पे अपन लोग जा रहे हैं कुंभ पे। देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस है सुपर फास्ट है, उसी से अपन लोग जाने वाले हैं। देखते हैं सीट मिलता है फिर नहीं मिलता है, बट जनरल में अपन लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो सोच रहे हैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर देगा क्योंकि अभी तो निकलेंगे थकान भी है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, वैसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। तो जय श्री राम गाइस, बाय बाय भाई। अभी हम लोग पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं और फिर इतना भूख से हालत खराब है ना क्या ही बोल सकते भाई। 6:05 पहुंचे और देखो ट्रेन के नीचे से हम लोग पीछे से ही जा रहे हैं क्योंकि अपन लोग के पास टिकट है नहीं इसी कारण से। और इधर से आगे निकलेंगे पहले और खाना खाएंगे मस्त वाला और फिर बस या फिर कोई ट्रेन देखेंगे तो उससे अपन लोग घर निकल जाएंगे डायरेक्ट क्योंकि कल होलिका दहन है तो उसमें भी रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आज 9-10 बजे तक अपन लोग घर पर रहेंगे रात में, तो बस जल्दी से चलने का कोशिश करते हैं भाई। ये देखो कैसा और भाई, और ये देख रहे हो ये अपना ट्रेन इसी से अपन लोग आए हैं।